नवंबर को विजयदशमी है और विजयदशमी के दिन ही जिला प्रशासन ने फरमान दिया है कि पटना में तमाम पूजा पंडालों में विराजने वाली माँ भगवती का विसर्जन किया जाए। इस पर सीपी ठाकुर से बात करते हैं। सीपी ठाकुर जी, लगातार सवाल इस बात को खड़े किए जा रहे हैं कि क्या सच में त्योहारों में इस तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त किया जा सकता है? एकदम नहीं। हिंदू में हिंदू मुसलमान कोई आज से साथ नहीं रह रहे हैं, ये सदियों से रह रहे हैं। और उनका जो धर्म अगर पड़ गया, मान लें कि छठे के दिन पड़ जाएगा तो मुस्लिम क्या नहीं मनाएंगे? उनको मनाना है, पड़ गया उनका तो वो भी मनाएंगे। हिंदू का अगर पड़ जाएगा मुहर्रम के दिन तो वो नहीं मनाएगा, वो भी अपना मनाएगा। इसलिए इस पर हिंदू का जिस हिसाब से लोग विसर्जन करते हैं उस हिसाब से करना चाहिए, मुस्लिम का जो है सो वो मनाना चाहिए। कोई दोनों धर्म में विवाद नहीं होना चाहिए और प्रशासन का यही काम है कि विवाद नहीं है। दर्शन सर, वो तो कह रहा है कि तनाव हो सकता है। तनाव वो ये क्यों प्रिज्यूम करता है कि तनाव होगा? इसका मतलब है कि ये लोग पहले ही से मन में भरता है कि इस दिन तनाव होना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट कैसे ऑर्डर कर दिया? सुशील मोदी कह रहे हैं कि जिला प्रशासन का वो काम है, जिला प्रशासन को काम करने देना चाहिए। जिला प्रशासन को धर्म में हस्तक्षेप करने का काम नहीं है। जिला का प्रशासन का काम है कि हर एक धर्म किस तरह से शांतिपूर्वक अपना काम करे, ये काम है। और वो शांति को बनाए रखना जिला प्रशासन का काम है, एक दूसरे को डिस्टर्ब करके नहीं। बीजेपी में भी दो राय है सर, सुशील मोदी की जो बात है वो कह रहे हैं कि जिला प्रशासन का जो राय, वो बीजेपी में दो राय होता तो कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं होता। कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट जो सही है वही जजमेंट दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट। जो धर्म का जो रूप है स्वरूप है, कलकत्ता हाईकोर्ट उसी हिसाब से जजमेंट दिया है। और इसमें किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हम लोग 10 को फसाद करेंगे, वो लोग अगर 10वीं की बात करेंगे एकादशी को, वो लोग उस दिन करेगा, वो भी अपना करें। तो जरूरी नहीं कि हम लोग साथ चलेंगे तो लड़ाई कर लेंगे। आप प्रिज्यूम करते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, अरे दोनों ये तो हजारों बरस से साथ रह रहा है, इसमें लड़ाई करने का कोई कहीं स्थान नहीं। सीपी ठाकुर जी साफ कहते हुए कि किसी भी प्रकार से जिला प्रशासन है उसको धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस दिन इनको विसर्जन करना है या जिनका जिस धर्म का भी जो त्यौहार है वो उस दिन इसको मनाएं। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। पटना के राजा बाजार स्थित IGMS अस्पताल में आज दैनिक कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल इन कर्मचारियों का पिछले 3 महीनों से वेतन रिलीज नहीं किया गया, इसी को लेकर दैनिक कर्मचारी भड़क उठे और उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा करने के साथ साथ अस्पताल के मुख्य गेट को भी जाम कर दिया। 7 तौर से दैनिक कर्मचारियों ने करीब 2 घंटे तक IGMS का मुख्य गेट बंद रखा और वहीं धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला था और इसी मांग को लेकर सारे कर्मचारी आज एकजुट हुए और अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद अस्पताल में न ही कोई मरीज अंदर जा सकता था और न ही कोई मरीज बाहर आने की स्थिति में लग रहा था। स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाया पर वो मानने का नाम नहीं ले रहे थे। तब जाकर स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने भी पुलिस पर जमकर रोड़े बरसाए हैं। इसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। IGMS के इन दैनिक कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला और पूजा सर पे है। कहीं न कहीं ये सारा हंगामा उसी को लेकर बरपा था। कैमरा पर्सन मोहित के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, पटना। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वाद साधिके सर्वे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ दुर्गा जो शक्ति स्वरूपिणी है उनके भक्ति का रंग भी अलग है। हम इस वक्त पटना के नौलखा मंदिर में है और जहाँ कलश स्थापना हुई है वहाँ भक्ति का ये रंग है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं अनूठा है। बीते 22 वर्षों से कुछ इसी तरह जो बाबा हैं नागेश्वर बाबा, वो इसी अंदाज में जो माता का कलश है वो अपने छाती पर विराजते हैं। देखिए इस बार 21 कलश इस नवरात्र वो अपने ही छाती पर उनकी स्थापना की है और बीते यानी 21 वर्ष या इस बार ये 22वां वर्ष है। और आस्था का मैंने पहले भी कहा कि ये शक्ति स्वरूपणी माँ दुर्गा का पूजा अर्चना है, जहाँ जो भक्त हैं उनका अपना ही आस्था होती है और इसी आस्था में सराबोर किस प्रकार का जो रंग है इसमें वो आप देखिए। दूसरी सबसे अहम है कि अगर इसी नौलखा मंदिर की बात करें जहाँ भक्त सालों भर आते हैं, माँ की जो
की जो भव्य प्रतिमा है वो यहाँ विराजती है। आस्था इस कदर होती है कि दूर दराज से यहाँ लोग पहुँचते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन खासतौर में अगर हम नवरात्र की बात करें, यहाँ जिस तरह से भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन जो सबसे अलग है, जो सबसे कहीं ना कहीं जो भक्ति को दर्शाता है, वो दर्शाता है इसकी कलश स्थापना। जब खुद बाबा अपने सीने पर इस कलश को स्थापित करते हैं और जाहिर तौर पर कहते हैं कि इस आस्था के इन तमाम रंगों में हर कोई सराबोर है, लेकिन ये एक भक्ति का रंग है। बाबा, पिछले कई वर्षों से आप इस तरह से कलश स्थापना करते हैं। पिछले 22 वर्ष से लगातार मैं माँ की चरणों में साधना आराधना करते आ रहा हूँ और जब तक जीऊँगा तब तक माँ की चरणों में मैं साधना आराधना करते रहूँगा। ये माँ से मैंने सत वच कर लिया हूँ, जब तक जीऊँगा माँ तब तक तेरे चरणों में रहूँगा। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, खासतौर पर अगर हम इस मंदिर की बात करें, जिस तरह से कलश स्थापना होती है, हर एक तरह की तैयारी होती है, और क्या खास होता है यहाँ खासतौर पर इस नौलखा मंदिर? देखिए, मैं इस मंदिर का व्यवस्थापक होने के नाते आपको बतलाना चाहता हूँ कि शांति ढंग से ये 22 साल से पूजा पाठ होते आ रहे हैं। बाबा अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर 22 सालों से अपने सीने पर कलश रख रहे हैं। ये हमेशा कामना करते हैं कि देश में शांति हो, राज्य में शांति हो। नौलखा मंदिर में जिस हिसाब से कलश स्थापना की गई है, ये बताता है कि माँ के प्रति लोगों की आस्था किस तरह है। चरण प्रकाश के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए मंत्री परिषद की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायाधीश के अनुपालन में रविश्वर बसाक को भूतलक्षी प्रभाव से कोषागार लिपिक के पद पर समायोजित करने की मंजूरी दी गई। योजना सह वित्त विभाग ने PMU के लिए 37 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई, जिसमें प्रोग्रामर के लिए 14 पदों, असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए 19 पदों और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पदों की मंजूरी दी गई। आजीवन कारावास सजा प्राप्त बंदी गढ़वा जिला के पप्पू तिवारी के दया याचिका आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। वहीं केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कामकाजी माताओं के 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को पालन घर और डे केयर की सुविधा के लिए 59,25,15,600 रुपये और वित्तीय वर्ष 2017-18 में 6,40,00,000 रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई। साथ ही उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अनुबंध पर नियुक्त सहायक पुलिस कर्मियों के वेतन और वर्दी के लिए 20,00,000 रुपये की राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृति दी गई है और औद्योगिक विभाग अधिनियम 1947 में 3 वर्ष की जगह 3 माह से किए जाने के संशोधन के लिए अध्यादेश की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में 9 एजेंडास को अनुमोदित किया गया है। मुख्यतः योजना एवं वित्त विभाग के अंतर्गत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के लिए 37 पोस्ट का सृजन की स्वीकृति, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उत्तर कोयल परियोजना में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट कार्यों के DPR तैयार करने हेतु भारत सरकार की एजेंसी मेसर वैपकोस को मनोनयन के आधार पर ये DPR तैयार करने के लिए दी गई है। अपने सहयोगी बैजनाथ के साथ कमल, न्यूज इंडिया, रांची। मुख्यमंत्री जन संवाद यानी सीधी बात कार्यक्रम के दौरान आज कुल 20 मामले आए और सभी मामलों का निष्पादन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। झारखंड के मुखिया यानी रघुवर दास ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कार्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री जन संवाद यानी सीधी बात कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राज्य के विभिन्न जिला अधिकारियों से ऑनलाइन बात की। साथ ही काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाया। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में कुल 20 मामलों की सुनवाई हुई। हालांकि इन सभी शिकायतों में ज्यादातर मामले जगह जमीन और अधिकारियों की लापरवाही का दिखा। वहीं सुनवाई के दौरान सिमडेगा के डॉक्टर ACN खलको के खिलाफ मिली शिकायत की जांच पर उनको बर्खास्त करने का निर्देश भी दिया। वहीं मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से आने वाली शिकायतों में 83%
शिकायत का निवारण करने की बात कही। साथ ही कहा कि आंकड़े के हिसाब से सभी जिलों में करीब 80% मामलों का निराकरण किया गया। आंगनबाड़ी आप बंद करो, प्रेस वहाँ गांव का सभा करके आप ये सभा कराना, ये लड़का आपसे जब मिलेगा ठीक है, वह गांव में प्रेस सभा करके उस गांव की महिला जो अपने गांव के प्रति प्रतिबद्ध है उसको सहायिका सेविका चुनो ठीक है, उसको आज ही बर्खास्त करो उसको। चलाया है 2012 में ये वहां पर लगा था और लेकिन उसके बाद सोलह में सर इसको स्टार्ट किया गया और उसमें एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव थे जिनका भी सर असर वहाँ पर कर दिया गया, देवघर में वो चले गए तो सर उसके बाद से आज तक यहाँ पर कभी काम नहीं हुआ। और उस टाइम भी सर हमको लगता है कि 16 में भी हमको लगता है कुछ ही एक आधा अल्ट्रासाउंड हुआ होगा, उसके बाद सर आज तक भी खराब है, किलोमीटर के रेडियस के अंदर में भी अस्पताल है लेकिन उसके बाद भी वो लोग चला ले रहे हैं अपना मशीन, लेकिन वही अगर उनको सदर अस्पताल में चलाने की बात आती है तो तकनीकी सुविधा का अभाव बता दिया जाता है कि देयर इज लैक ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। इनके मामले लंबित, कुछ ऐसे मामले हैं जो उनके नोडल ऑफिसर के बस की है और उनके लाख प्रयास के बावजूद संभवतः 70% से 83% के बीच में नहीं हो पाए, 78% से जो कि स्थानीय स्तर पे निष्पादित किए गए क्योंकि वो चाहे तो न्यायालय के मामले हों। कैमरामैन रिजवान के साथ सूरज, न्यूज इंडिया, रांची। केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में अहम योगदान देने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड को अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच मुक्त करने की बात कही। प्रोजेक्ट भवन में स्वच्छता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह सहित विभागीय सचिव उपस्थित रहे। स्वच्छता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वच्छता आंदोलन को गली गली तक ले जाने की जरूरत बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ करने का लक्ष्य दिया है। इसमें योगदान देते हुए झारखंड को अक्टूबर 2018 तक हम पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त कर देंगे। 2 अक्टूबर तक राज्य के सभी 41 शहरी निकायों को खुले में शौच मुक्त कर दिया जाएगा। इस दौरान 2.10 लाख निजी तथा 5,000 सीटों के सार्वजनिक शौचालय का निर्माण पूर्ण होने की बात कही। 2 अक्टूबर तक हमारी शहरी क्षेत्र पूरा ओडीएफ हो जाए, इसके लिए आज के अवसर पर मैं नगर विकास और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँ। 2018 2 अक्टूबर तक पूरा झारखंड ओडीएफ हो जाएगा, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके साथ साथ अभी तक हम लोग शहरी क्षेत्र में 2,10,000 शौचालय का निर्माण करा लिए। इसके साथ साथ सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हो रहा जो 5,000 सीटों का निर्माण कराया है। कैमरा पर्सन बैजनाथ महतो के साथ सुजीत कुमार, न्यूज इंडिया, रांची। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर सभी पूजा पंडाल लगभग सज धज कर तैयार है और कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्था को लेकर लोग इसका जायजा अभी से ही ले रहे हैं। दुर्गोत्सव को लेकर राजधानी रांची के पूजा पंडाल लगभग पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। एक एक करके सभी पूजा पंडालों का अनावरण गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाए गए पंडाल का अनावरण रांची के डिप्टी कलेक्टर मनोज कुमार द्वारा किया गया। साथ ही रांची सिविल सर्जन शिव शंकर हरिजन की मौजूदगी भी देखने को मिली। पंडाल की व्यवस्था को देखकर डीसी संतुष्ट दिखे, वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि पंडालों में आपातकालीन सेवा को लेकर अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी लोगों को पहले तो मैं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और दशहरा के भी इसके साथ ही मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण त्यौहार मनाने के लिए हम लोगों ने सारी तैयारी की है और मैं कोशिश करूँगा कि हम लोगों ने सारे डिप्लॉयमेंट्स पुलिस और मजिस्ट्रेट्स के डिप्लॉयमेंट भी किए हैं, ट्रैफिक प्लान में कुछ चेंजेस भी ताकि सुगमता से लोग देख सके इसके लिए हम लोगों ने किया है और आज से वो लागू हो रहा है। सभी लोग आराम से बाहर निकले, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है। बहरहाल दुर्गा पूजा शांतिमय से गुजरे इसके लिए तमाम अधिकारी लगातार प्रयास में लगे हैं, साथ ही लोगों में इसका खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। सहयोगी रिजवान के साथ मौजूदी, न्यूज इंडिया, रांची। नवरात्र का पर्व इन दिनों शबाब पर है और इसे लेकर राजधानी रांची भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है।
आपको हम बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं हरमू के सत्य अमरलोक स्थित पंडाल में, जहां कि आप साज सज्जा देख सकते हैं कि किस तरह से सजाया गया है पंडाल को। प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यहां पर मोर की आकार का पंडाल बनाया गया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो पंडाल है ये पूरी तरह से कागज और बेंत पर बनाया गया है। हम बात करते हैं आयोजक से कि जिस तरह से ये पंडाल बना है, क्या कुछ खास रहा और किस तरह से ये थीम उनके दिमाग में आया कि इस तरह से की कलाकृति को उन्होंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। जी, क्या थीम था, क्या सोच? कृतिका लोक, कृतिका लोक शिव पार्वती, जब उनका बेटा कार्तिक लिया था जन्म, तो शुभ निशुम करके दो राक्षस जो उनको वध करना चाह रहे थे, तो वे मोर में चले गए थे, मोर लोक में। वहाँ पर मोर लोक में इनको बचाया गया, इसलिए उसका सवारी भी मोर हो गया और उसका नाम भी कृतिका लोक था। क्या कॉस्ट है? 17 से 18 लाख रुपये। ये थे हमारे साथ आयोजक, जो बता रहे थे कि पंडाल में किस तरह से कारीगरी की गई है और क्या कुछ इसका थीम था। अब हम आपको अंदर की तरफ ले चलेंगे, जहां के अंदर का दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं कि अंदर की कलाकृति किस प्रकार की है। अब हम आपको सत्य अमरलोक पंडाल के अंदर की कलाकृतियों को दिखाने की कोशिश करते हैं। आना चाहेंगे कि यहाँ की जो भी अंदर की भी कलाकृतियाँ हैं वो फोम से बनी हुई है। यहाँ भी मोर जो है वो पंडाल के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आयोजक से हम बात करते हैं कि ये मूर्ति कहाँ से आई है और क्या कुछ रहा इस मूर्ति को लाने में, इन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ी। इसको ट्रक के द्वारा रांची लाया गया है और यहाँ पर माँ की मूर्ति को स्थापित किया गया है। हर साल की भांति इस साल भी सत्य अमरलोक परिवार एक विशेष, एक अनोखी कलाकृति लेकर माता के भक्तों के समीप हाजिर हुआ। माता के भक्तों के पास एक नई कलाकृति लेकर प्रस्तुत हुआ है। और हाँ, जैसा कि बात हो रही थी, GST का मार हमारे पूजा पर भी पड़ रहा है। इस बार जो है GST की मार हर तरफ दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी नहीं रुक रहे हैं। उनका कहना है कि मूर्ति चाहे कितनी की भी हो वो तो लाएंगे ही, पूजा है, माँ की आराधना है और इसमें वो पूरी तरह से शिद्दत से लगे हुए हैं। चाहे कितना भी कॉस्ट आ जाए वो मूर्ति तो लगाएंगे ही। कैमरामैन रिजवान के साथ ओम प्रकाश सिंह, न्यूज इंडिया, रांची। इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ श्री श्री राम मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल के सामने। और जो ये पंडाल की खासियत, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इको फ्रेंडली है। यहाँ पे जितना भी चीज़ बनता है वो देखिए, आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा का प्रतिमा जो है वो बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ है। जितने वो ड्रेस पहनी हुई हैं वो भी मिट्टी से बना हुआ है, जो पानी में जाकर बिल्कुल पानी में मिट्टी में चला जाएगा। तो इस तरह से देखा जाता है कि अब पर्यावरण को देखते हुए इस तरह का यहाँ पे थीम दिया जाता है। और ख़ास करके जो इस बार और एक अलग थीम दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कर लिया। ये हम लोग का 52nd दुर्गा पूजा है, जो कि 1966 में हम लोग का ये दुर्गा पूजा स्थापना हुआ था राम मंदिर सोनारी में। और इसमें इस वर्ष जो है, जो पंडाल का जो स्वरूप देख रहे हैं, एक मंदिर का आकृति है, एक काल्पनिक मंदिर है जिसमें कि ना चूड़ी का काम, छोटा छोटा ज्वेल्स के पत्थर स्टोन के द्वारा बनाए गए। और इसमें पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर से कारीगर आए हैं और 40 दिन के मेहनत से पंडाल बना हुआ है। यह जो मूर्ति आप देख रहे हैं हमारे पीछे, जो मूर्ति है ये मूर्ति इको फ्रेंडली मूर्ति है, जिस मूर्ति में सिर्फ मिट्टी का काम हुआ है। और ये जो देख रहे हैं इसमें कोई साज सरन या कोई कपड़ा या कोई हेयर या कोई अलंकार ऐसा नहीं है जो कि ना प्रदूषण करे आपका क्या बोलते हैं उसको, वातावरण को। हमारे इस वर्ष का और एक स्पेशलिटी है कि सप्तमी अष्टमी नवमी तीन दिन नॉर्मल भोग के साथ में हम लोग एक स्पेशल भोग का आयोजन किए हैं। अष्टमी के रोज में सांस्कृतिक प्रोग्राम चारों दिन हम लोग का है, कल से हम लोग का सांस्कृतिक प्रोग्राम हो जाएगा। डेली शाम को 7:30 से लेकर रात को 9:30-10 बजे तक हम लोग का सांस्कृतिक प्रोग्राम चलेगा। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सांस्कृतिक, कभी हम लोग म्यूजिकल प्रोग्राम रखे हैं, कभी हम लोग ऑर्केस्ट्रा रखे हैं और कभी मैजिक शो रखे हैं, कभी झारखंड की संस्कृति को लेकर कुछ कुछ प्रोग्राम रखे हुए हैं। मैंने सुना कि जिस तरह से ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पे हमेशा एक नया थीम दिया जाता है, और इस बार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ताकि बेटी को बढ़ावा दिया जाए आज के इस समाज में। वहीं पे इस तरह यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और मेदिनीपुर से बंगाल के कारीगर आकर के इस पंडाल को बनाए हैं। जमशेदपुर से लाला जबी, न्यूज़ इंडिया। महंगाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है।
कांग्रेस ने मंगलवार को रैली निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जनता की आवाज को बुलंद किया है। जब महंगाई हमारे राज में थी तो आप सड़कों पर उतरते थे, बहुत सारे वादे करते थे, लिखित में वादे किए हैं, और राजस्थान के अंदर तो वैट और सेस और इतना बढ़ा दिया, ड्यूटी बढ़ा दी है कि आम व्यक्ति को उसकी जेब पर डाका आप डाल रहे हैं, और बजाय सहानुभूति देने के किसान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बजाय दाम कम करने का बढ़ा रहे हो। तो ये पिछले समय जो महंगाई थी वो था ग्लोबल मेल्टडाउन, उसके बावजूद अर्थव्यवस्था पटरी पर चल रही थी। आज नरेंद्र मोदी जी को स्टिमुलस पैकेज देने की बात करनी पड़ रही है, कुछ स्वीकार करना पड़ रहा है कि हमने जो नीतियाँ अपनाई उसके कारण अर्थव्यवस्था जो है उसकी कमर टूट चुकी है, सारी की सारी जो नीतियाँ हैं वो लचर हैं, और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि GST का इम्प्लीमेंटेशन जिस प्रकार से हुआ, व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया, MSME जो है वो डिमोनेटाइजेशन के बाद समाप्त हुई। आम नागरिक परेशान है, गरीब परेशान है, पेट्रोल डीजल की रेटें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 120 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब पेट्रोल डीजल इतने महंगे नहीं हुए। आज जब 50 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल है तब आपने रेटें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। मैं इतना कह सकता हूँ कि जुल्म है, हिंदुस्तान की जनता के साथ धोखा है, और ये धोखा रुकना चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। आज हम परंपरागत साधन जिसमें पेट्रोल डीजल खर्च नहीं होता है, रिक्शा है, टांगा है, बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, बात को लेकर के थोड़ी सी महंगाई बढ़ने पर जो BJP के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतर करके धरने देते थे, भाषण देते थे, आज वो जब उन्हीं की सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं तो महंगाई के नाम पर एक शब्द बोलते हुए नजर नहीं आते। जबकि जनता का राज है ये, लोकतंत्र है ये, आप अगर किसी पद पर पहुंचे तो जनता की ताकत से पहुंचे, और अगर आप जनता की आवाज अपनी पार्टी की सरकार में नहीं उठा सकते इसका मतलब जनता के हितैषी कभी नहीं हो सकते। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रहमतुल्ला खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। राजधानी जयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत अटके पड़े प्रोजेक्ट को गति देने को लेकर आज स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में राजधानी जयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत अटके पड़े प्रोजेक्ट को गति देने और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत को लेकर चर्चा की गई। बैठक में चेयरमैन मंजीत सिंह, CEO रवि जैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मंजीत सिंह ने बताया कि रामबाग से जोरावर गेट तक बनने वाला टनल जल्द ही तैयार होगा, इसके लिए DPR बनाया जा रहा है, साथ ही चार दीवारी में जो काम का फसाद फैला हुआ है वो जल्द ही दिसंबर तक समाप्त कर दिया जाएगा। हमने पार्किंग प्रोजेक्ट एक नाज मंडी में है, एक जयपुरी हॉस्पिटल में है, एक चौगान स्टेडियम में भी हम प्लान कर रहे हैं, ऐसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को भी कर रहे हैं, या यहाँ के वेलोड्रम यहाँ पे जो है SM स्टेडियम में एंड चौगान स्टेडियम में उसको फैसिलिटीज को कर रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी, जैसे अभी हमने जो तालकटोरा लेक है उसको भी ब्यूटीफाई करना है, उसको भी सारा प्लान कर रहे हैं। 50 करोड़ का पुरानी जो सिटी है, वर्ल्ड सिटी है, उसका जो सीवरेज है पुराना हो गया, उसकी फोटोग्राफी कराने के लिए, क्लीन करने के लिए 50 करोड़ का अभी हमने सैंक्शन कर दिया है, जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ पिंटू सिंह, न्यूज इंडिया, जयपुर। राजधानी जयपुर के श्यामनगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर एक ऐसे ग्रोह का पर्दाफाश किया है जो शरीर से इंजेक्शन के द्वारा खून निकालकर ठगी करता था। ठगी का यह नया तरीका उस वक्त सामने आया जब एक पीड़ित बुजुर्ग ने श्यामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ कि कैसे ये दोनों आरोपी यानी चाचा और भतीजा पीड़ित बुजुर्गों को अपनी ठगी का निशाना बना रहे, फर्जी डॉक्टर बनकर ये निशाना बनाते हैं और उनके बुजुर्गों के दर्द को ठीक करने के नाम पर ये उनसे मोटी रकम ऐंठते थे। फरवरी 2017 के अंदर रामपक निवासी SS मेहता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि डॉक्टर रहमान नाम का आदमी है जो अपने आप को बॉम्बे का डॉक्टर बता के और मेरे से इलाज के नाम पर 1,00,000 रुपये धोखा लेकर ले गया। 17 घंटा जो कि तलाश करी, मुजरिमों को पकड़ा, मुजरिमों से पूछा तो मुजरिमों ने वारदात करना जगह जगह बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, अजमेर, जयपुर, और अब करना कबूल किया है। मुजरिमों का जो मॉडल है वो इस तरह के जो बुजुर्ग आदमी होते हैं 70-75 साल के, जिनके पेन ज़्यादा होता है घुटनों वगैरह में, तो उसको घासे में लेकर के उसके घर जाके और उसके ब्लड वगैरह निकाल के पर ब्लड का अलग अलग 2,200, 2,300, 2,500 रुपये के हिसाब से वो पैसा लेके भाग। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे पूछताछ जारी है। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर।
प्रदेश में डायन प्रथा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, उसके बावजूद महिला बाल विकास की मंत्री अनीता बदेल का यही कहना है, राजस्थान में डायन प्रथा के मामले घट रहे हैं बल्कि बढ़ नहीं रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस साल आंकड़ों में भीलवाड़ा जिले में केवल 12 मामले सामने आए हैं, उसके बावजूद अगर हम पूरे राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर की बात करें तो अब तक 105 महिलाओं को डायन बताकर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। वहीं 8 महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। महिला बाल विकास की मंत्री अभी भी इस बात को इनकार कर रही है कि मामले घटे हैं। अगर मामले घटे हैं तो मंत्री जी आंकड़े सामने हैं, उसके बावजूद आप अपने विभाग के अधिकारियों को कब तक बचाती नजर आएंगी और कब तक अपने विभाग की गलतियां छुपाती रहेंगी? आखिर आपको जनता को जवाब देना ही पड़ेगा मंत्री जी। चल रहा है डायन के लिए पर्टिकुलर 2-4-8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है हमारे स्टेट में जहाँ ये एरिया मतलब ज़्यादा प्रभावित है। उस एरिया में हमने DGP को पत्र लिखा है कि सारे हमारे SP और जो पूरा पुलिस का एक चैनल है उसको ट्रैकिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भोपा एंड ऑल ये सारे लोग अपनी एक विरासत बना के रखे हैं, बिजनेस बना के रखे हैं, उसको हैमर किया जाए। और कुछ डर भी पैदा हुआ है क्योंकि 8 लोगों की गिरफ्तारी भीलवाड़ा से लेकर राजसमंद तक में हुई है भोपों की, तो मुझे लगता है कि एक प्रोग्राम में लेके इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो कानून ही नहीं था तो ये लोग खुले थे, अब कानून बनने से और दंड मिलने से उनमें डर पैदा हुआ है। तो इसको कंटिन्यू हम लोग अगर चलाते रहेंगे तो मेरे ख्याल से इस कुप्रथा को हम समाप्त कर देंगे जो एक हमारे स्टेट पे डेंट का भी काम करता है। कैमरा पर्सन सुरेश तानिया के साथ महिमा मंत्री, न्यूज इंडिया, जयपुर। जवाहर कला केंद्र की परिजात आर्ट गैलरी में आज लव टू ऑल, लव टू आर्ट एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। इस एग्जीबिशन में 20 देशों के 51 कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों और चित्रों के अनूठे संगम को चित्रित किया। इस प्रदर्शनी की खास बात ये रही कि इस प्रदर्शनी में ईरान और इराक से आई महिलाओं ने आज की भागती दौड़ती जिंदगी के तनाव को दर्शाने की कोशिश की है। ये जो प्रस्तुत चित्र प्रदर्शनी है फेस टू फेस इंडिया ग्लोबल शो है, जिसमें करीबन 20 देशों के 51 आर्टिस्ट भागीदारी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये मैसेज कन्वे हमने किया था कि कैसे इस आधुनिक मशीनी दौड़ भाग से दूर होकर हम प्रेम, शांति और उसका एक संदेश दें। इसके लिए हमने एक बेसिक थीम रखी थी, लव टू ऑल, लव टू आर्ट, सभी को प्यार, कला से प्यार। उसके लिए पूरी अलग अलग देशों से हमारे पास में एंट्रीज मिली, जिनमें पेंटर हैं बहुत सारे, छाया चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, डिज़ाइनर हैं, इनमें करीबन 20 देशों के अलग अलग इन्हें मतलब कि सुंदर कृतियां हमें प्राप्त हुई। खास तौर पे इस प्रदर्शनी का आकर्षण का केंद्र है ना। कैमरा पर्सन सुरेश तानिया के साथ करिश्मा वर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। Thank you.